गृहमंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो के मामले में कानूनी एक्शन जारी है। इसी मुद्दे पर आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना है। अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस है। दिल्ली पुलिस ने 29 अप्रैल को हैदराबाद जाकर नोटिस दिया था और आज पेश होने को कहा था। तेलंगाना के सीएम और तेलंगाना कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से अमित शाह का फेक वीडियो शेयर किया गया था। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी साथ लाने को कहा है। 28 अप्रैल को अमित शाह के एडिटेड वीडियो को फैलाने के मामले में बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत पर इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। कांग्रेस इस मामले को राजनीति करार दे रही है, जबकि गृह मंत्री ने खुद इसे लेकर पलटवार किया है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। तो बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में अब लगातार एक्शन जारी है और अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होते हैं और क्या कुछ आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में सामने आता है।